गाइज ये सीन देख लो यार, एक बार पूरी बर्फ है यार, हिमालय पर्वत। अभी मेरा घोड़ा थक गया, पानी पी रहा है। यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है लेकिन शायद ऊपर बहुत होगी, तो बहुत एक्साइटेड हूँ अभी ऊपर जाने के लिए। हम लोगों ने जैकेट और हम लोग के पास दो जैकेट तो है। अभी यहाँ पे तो नॉर्मल टेम्परेचर है, कुछ मतलब ज़्यादा ठंड भी नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, पर शायद मुझे लग रहा है ऊपर जाके लगेगा। तो ठीक है, अभी देखते हैं। अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी 4 घंटे हो गए हम लोग घोड़े पे ही है। अभी वो लोग बोल रहे हैं और 2-3 घंटा लगेगा, तो ठीक है अभी देखते हैं। अभी ऑलमोस्ट पहुँच गए और बहुत ही होने वाला है, जाते ऊपर और इन्जॉय करते। तुम लोग ये वीडियो ज़रूर इन्जॉय कर, बहुत स्लिप हो रहा है घोड़ा, स्लिप हो रहा है। तो कोई बात नहीं, तुम लोग वीडियो एंजॉय करो, तुम लोग वीडियो एंजॉय करो। ओके सो गाइस, यहाँ पे मेरे लेफ्ट में ये मंदाकिनी रिवर है, ये ऊपर से आ रही है पूरा हिमालय से और ये पूरा नीचे जाती है। यहाँ पे भी छोटे छोटे ये झरने हैं और ये हिमालय पर्वत। देख लो एक बार जूम करके, क्लोज लुक ऐसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना यार। आई होप सबको पसंद आया होगा। ठीक है, अभी मैं भी व्यू का मज़ा लेता हूँ और ऊपर जाने के बाद पूरा प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे। कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ मंदिर। ओके सो गाइस, ये देखो ये बर्फ़ है, पर इधर टेम्परेचर मुझे तो इतना कूल नहीं लग रहा है, थोड़ा है। ओके, थोड़ा ठंडा है, थोड़ा गर्म भी है, तो पर पता नहीं आ रही है कैसे ग्लेशियर बोलते हैं। तो हाँ, हल्का हल्का बिगल तो रहा है ये। तो ये अंकल बर्फ लेके आ रहे हैं हमारे लिए। हाँ, ये लेके आए, ये हमारा सेकंड ग्लेशियर। आप मैं बोल सकता हूँ थोड़ी ठंडी है, थोड़ा कूल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। नीचे तो इतना नहीं था, पर यहाँ पे है थोड़ा, और ठंडी बढ़ती जा रही है जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो ठीक है, और ऊपर जाते हैं और देखते हैं ऐसे कितने ग्लेशियर्स देखने मिलते हैं। ओके सो गाइस, ये रहा थर्ड ग्लेशियर। यहाँ पे थोड़ी ठंड है, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, एक बार देख लो। ओके सो गाइस, ये रहा हमारा चौथा ग्लेशियर और यहाँ पे ऊपर जाना है। बहुत टाइम है अभी और 2 घंटा बोल रहे हैं, पहले भी 2 घंटा बोल रहे थे, अभी भी 2 घंटा ही बोल रहे हैं, पता नहीं कितना लगेगा। ओके सो गाइस, इसे बोलते हैं डोली सवारी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसके चार्जेस बहुत आए हैं, 10K से लेके 15K से बीच में, और ये घोड़ों के कुछ 2500 है ऊपर तक पूरा, और ये टोटल कुछ 25-26 किलोमीटर है शायद ऊपर। तो सोच लो यार, मैं 4 बंदे पूरा, एक बंदे को ऊपर लाएंगे तो इतना चार्ज तो करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग सीनियर सिटीजन ही लेते हैं ये वाली सवारी, बाकी हम तो नॉर्मल घोड़ों से ही जाते हैं या फिर पैदल जाते हैं। तो ठीक है, और भी एक है वो सवारी का, ये एक और सवारी है, इसका ये लोग चार्ज करते हैं कुछ 4 से 5 घंटे हो गए। और वीडियो थोड़ी शेक हो रही है क्योंकि गिम्बल नहीं है, और मेरे दोस्त वो लोग बहुत पीछे रह गए, तो उसके बैग में गिम्बल है मेरा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना स्टेबल हो सकता है उतना स्टेबल करने का वीडियो में कोशिश करूँगा। ठीक है, और क्या, तो सपोर्ट करो, लाइक करो तब तक ये वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को। ये रही हेलीकॉप्टर भी जाते हैं यहाँ से, आपको जाना है तो आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हो, पर केदारनाथ ज़रूर आना यार, बहुत ऑसम प्लेस है।
ओके सो ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने तो अंदर दो टी शर्ट्स पहने और उसके ऊपर ये जैकेट और उसके ऊपर ये, मतलब दो टी शर्ट दो जैकेट, फिर भी मुझे बहुत ठंड लग रही है। अभी यहाँ से पूरा आगे पूरा स्नो है, पूरा स्नो देख लो पीछे, आप लोगों को देख के पता चल ही गया होगा। व्हाट द फक गाइस, देख लो यार पूरा पूरा, मतलब ग्लेशियर अगर ये सरक गया ना पूरा नीचे तो जहाँ पे भी नज़र जाएगी ना आपकी, पूरा स्नो है, पूरा स्नो। और ऊपर से सीन ये हुआ कि मेरे पास एक बैग दिया था, उसमें रेनकोट थे, कुछ हैंड ग्लव्स थे, वो मैं एक शॉप पे भूल गया, तो ऊपर से और एक प्रॉब्लम। तो ठीक है कोई नहीं, अभी फिर भी है सब लोग पीछे, सब लोग पीछे ही, अभी सब गुस्सा हुए थे, ठीक है कोई बात नहीं, अभी और आगे शॉप से वहाँ पे ख़रीद लेंगे हम लोग। पर ये सीन देख लो, अभी पूरा दोनों बाजू वॉल है स्नो का और इसके बीच में से जाएंगे हम लोग। तो हम लोग ऊपर आ गए और जो घोड़े होते हैं या फिर कच्छर जो भी है उनको 1 किलोमीटर पहले हम लोग को ड्रॉप करना पड़ता है क्योंकि वो लोग को अंदर अलाउड ही नहीं है। तो 1 किलोमीटर चल के जाना है अभी, तो आधा तो हम लोग आ गए शायद 400-500 मीटर, और आधा 400-500 और 500-600 मीटर चलना पड़ेगा। बोले केदारनाथ की जय। सो ऑल राइट गाइस, अभी मंदिर के अंदर कुछ वीडियो वगैरह निकाला, कुछ अलाउड नहीं था, तो ठीक है हम लोग दर्शन करके आ गए बाहर। अभी ये सब है बाहर, ये बाबा वगैरह सब है और बस यही है और बाकी कुछ नहीं है। आप भी एक बार आओ केदारनाथ, बहुत ऑसम प्लेस है यार, देख लो पीछे बहुत सी यार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना ये वीडियो को और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए पीस आउट ब्रो, और देखेंगे अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे और क्या।